नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहू पीएससी एकेडमी से। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनजातीय विद्रोह। छत्तीसगढ़ की जनजातियों के द्वारा अपनी संस्कृति तथा परंपरा की रक्षा हेतु जनजातीय विद्रोह किए गए, तो इसी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। एक फ्रेश टॉपिक, जनजातीय विद्रोह। अगला टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ में जनजातीय विद्रोह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जनजातीय विद्रोह। ये आपका है छत्तीसगढ़ का मैप, ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य, ये है दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ राज्य। आज हम छत्तीसगढ़ में डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों जनजातीय विद्रोह। ये आपका है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन पकड़ना है दुर्ग तथा रायपुर संभाग, ये आपका है बिलासपुर संभाग, सरगुजा संभाग, कांकेर नारायणपुर, कांके नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांके नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, ये आपका पकड़ना है कबीरधाम, राजनाथगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, ये आपका है दोस्तों मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, ये आपका है रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। तो आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ में, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में जनजातीय विद्रोह। देखिएगा दोस्तों, यह आपका पकड़ना है सूरजपुर जिला। सूरजपुर जिला में यहां पर स्थित है दोस्तों गोपाल ग्राम, यह आपका है गोपाल ग्राम, ये आपका है गोपाल गांव। गोपाल गांव में हुआ है दोस्तों 1918 में उराव विद्रोह, यहां पर हुआ है 1918 में उराव विद्रोह, यहां हुआ है दोस्तों 1918 में उराव विद्रोह। ध्यान दीजिएगा, ये आपका पकड़ना है सरगुजा। सरगुजा में ये आपका है भाकुरमा गांव, भाकुरमा ग्राम, भाकुरमा ग्राम। सरगुजा के भाकुरमा ग्राम में हुआ है दोस्तों 1932 में, 1932 में गोड़ विद्रोह, 1932 में वहां पर हुआ है गोड़ विद्रोह। सरगुजा के भाकुरमा ग्राम में हुआ है गोड़ जनजाति के द्वारा किया गया है गोड़ विद्रोह। 1918 भाकुरमा ग्राम में उराव जनजाति के द्वारा किया गया है उराव विद्रोह। यह आपका पकड़ना है कांकेर जिला। कांकेर जिला में यह है परलकोट, परलकोट को परालकोट भी कहा जाता है, परलकोट या परालकोट, परालकोट में हुआ है, कांकेर के परालकोट या परलकोट में हुआ है 1824 में परलकोट या परालकोट विद्रोह, परलकोट या परालकोट विद्रोह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, परलकोट या परालकोट विद्रोह, ध्यान दीजिएगा। यह पकड़ना है बीजापुर, बीजापुर में यहां पर स्थित है दोस्तों भोपाल पटनम, यह आपका है भोपाल पटनम, भोपाल पटनम, ध्यान दीजिएगा। भोपाल पटनम में हुआ है 1795 को भोपाल पटनम विद्रोह, भोपाल पटनम विद्रोह, यहां हुआ है दोस्तों भोपाल पटनम विद्रोह, भोपाल पटनम में हुआ है भोपाल पटनम विद्रोह 1795। यह आपका पकड़ना है लिंगागिरी, लिंगागिरी बीजापुर जिले में स्थित है लिंगागिरी। लिंगागिरी में 1856 में हुआ है लिंगागिरी विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह 1856 में हुआ है दोस्तों लिंगागिरी विद्रोह। ध्यान दीजिएगा, कोरिया जिले के गोपाल ग्राम में हुआ है 1918 में उराव जनजाति के द्वारा उराव विद्रोह। भाकुरमा ग्राम सरगुजा में 1932 में हुआ है गोड़ जनजाति के द्वारा गोड़ विद्रोह। कांकेर के परलकोट में हुआ है 1824 में परलकोट विद्रोह। भोपाल पटनम में हुआ है 1795 को भोपाल पटनम विद्रोह और लिंगागिरी में हुआ है 1856 में लिंगागिरी विद्रोह। यह आपका पकड़ना है सुकमा जिला। सुकमा जिला में यह है दोस्तों भेजी नामक एक स्थल। सुकमा जिले के भेजी में हुआ है कोई विद्रोह, कोई जनजाति के द्वारा कोई विद्रोह 1859 को यहां पर हुआ है कोई विद्रोह,
ये पकड़ना है दोस्तों, कोई विद्रोह, कोई विद्रोह, कोई जनजाति के द्वारा किया गया है कोई विद्रोह, ये आपका पकड़ना है दंतेवाड़ा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका पकड़ना है दंतेवाड़ा, ध्यान दीजिएगा, ये है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में ध्यान दीजिएगा, दंतेवाड़ा में हुआ है दोस्तों, दंतेवाड़ा पकड़ना है 1842 में दंतेवाड़ा में हुआ है मेरिया विद्रोह, मेरिया विद्रोह। मेरिया का मतलब होता है दोस्तों मारिया, दंडामी मारिया, या इसलिए कहते हैं दोस्तों मारिया विद्रोह, मेरिया या मारिया विद्रोह 1842, यह हुआ है दंतेवाड़ा में। यह आपका पकड़ना है बस्तर जिला, यह है दोस्तों बस्तर जिला, बस्तर जिला में यहां पर है मारिंगा, यह आपका है दोस्तों मारिंगा, मारिंगा नामक स्थल, मारिंगा नामक स्थल में हुआ है 1876 में, बस्तर के मारिंगा में हुआ है मुड़िया विद्रोह, यहां हुआ है दोस्तों मुड़िया विद्रोह, मुड़िया विद्रोह, मुड़िया को ही मुड़िया भी कहा जाता है, इसलिए इसे कह सकते हैं मुड़िया विद्रोह, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। लेकिन मारिया को मेरिया कहा जाता है, यह है दोस्तों 1842 दंतेवाड़ा में मेरिया विद्रोह या मारिया विद्रोह, जबकि बस्तर के मारिंगा में हुआ है 1876 में मुड़िया विद्रोह या मुड़िया विद्रोह, ध्यान दीजिएगा मुड़िया या मुड़िया विद्रोह। यह आपका पकड़ना है पूसपाल, पूसपाल बाजार, यह है दोस्तों पूसपाल के बाजार में हुआ है, पूसपाल के बाजार में हुआ है दोस्तों 1910 में, यहां 1910 में हुआ है दोस्तों भूमकाल विद्रोह, यहां हुआ है भूमकाल विद्रोह, यहां हुआ है भूमकाल विद्रोह, पूसपाल बाजार में 1910 में हुआ है भूमकाल विद्रोह, भूमकाल विद्रोह। और यहां पकड़ना है तारापुर, बस्तर में ही ये है दोस्तों तारापुर, तारापुर में हुआ है तारापुर विद्रोह, तारापुर में हुआ है 1842 को ही तारापुर विद्रोह, तारापुर विद्रोह, ध्यान दीजिएगा यहां पर हुआ है तारापुर विद्रोह, तारापुर में हुआ है तारापुर विद्रोह। तो ये विद्रोह हमें डिस्कस करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कोरिया के गोपाल ग्राम में हुआ है 1918 में उराव जनजाति के द्वारा उराव विद्रोह, सरगुजा के भाकुरमा ग्राम, सरगुजा के भाकुरमा ग्राम में 1932 में गोड़ जनजाति के द्वारा हुआ है गोड़ विद्रोह, परलकोट में हुआ है 1824 में परलकोट विद्रोह, भोपालपट्टनम में 1795 को हुआ है दोस्तों भोपालपट्टनम विद्रोह, लिंगागिरी में 1856 में हुआ है लिंगागिरी विद्रोह, भेजी में 1859 में हुआ है कोई विद्रोह, दंतेवाड़ा में 1842 में मेरिया विद्रोह या मारिया विद्रोह, तारापुर में हुआ है 1842 में तारापुर विद्रोह, पूसपाल में हुआ है 1910 में भूमकाल विद्रोह, मारिंगा में हुआ 1876 में मुड़िया विद्रोह या मुड़िया विद्रोह, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहां पर पकड़ते हैं, देखिएगा ये आपका पकड़ना है कोंडागांव जिला, कोंडागांव में फरस गांव के पास में ये पकड़ना है दोस्तों डोंगर, ये आपका है डोंगर, फरस गांव के पास में है दोस्तों डोंगर, डोंगर में हुआ है दोस्तों हलबा विद्रोह, डोंगर में हुआ है आपका हलबा विद्रोह, ध्यान दीजिएगा डोंगर में हुआ है हलबा विद्रोह, डोंगर में हुआ है दोस्तों हलबा विद्रोह 1700, ये हुआ है दोस्तों 1774 में यहां पर हुआ है हलबा विद्रोह, ये पकड़ना है दोस्तों हलबा विद्रोह, ध्यान दीजिएगा हलबा विद्रोह, ध्यान दीजिएगा डोंगर में हुआ है दोस्तों 1774 में हलबा विद्रोह, ये आपका है फरस गांव, डोंगर कोंडा गांव के फरस गांव के पास में गांव है दोस्तों डोंगर, यहां पर हुआ है 1774 में हलबा विद्रोह, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा इसको हम डिस्कस कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो भी विद्रोह हुए हैं इनके हम देखते हैं नेतृत्वकर्ता के नाम, इनके देखते हैं दोस्तों नेतृत्वकर्ता के नाम, ध्यान दीजिएगा दोस्तों नेतृत्वकर्ता के नाम। देखिएगा यह आपका पकड़ना है हलबा विद्रोह, हलबा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे दोस्तों अजमेर सिंह, इसके नेतृत्वकर्ता थे अजमेर सिंह, ध्यान दीजिएगा दोस्तों हलबा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे अजमेर सिंह, परलकोट विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे गेंद सिंह,
इसके नेतृत्व करता थे दोस्तों गेंद सिंह। परलकोट विद्रोह के नेतृत्व करता थे गेंद सिंह। ध्यान दीजिएगा, यहां पकड़ना है भोपाल पट्टनम और यह है दोस्तों लिंगागिरी विद्रोह। लिंगागिरी विद्रोह के नेतृत्व करता है दोस्तों धुरुआ राम माड़िया। धुरुआ राम माड़िया, धुरुआ राम माड़िया, इसके नेतृत्व करता है दोस्तों धुरुआ राम माड़िया। भेजी कोई विद्रोह 1859, इसके नेतृत्व करता है नांगुल दोरला। नांगुल दोरला, इसके नेतृत्व करता है दोस्तों नांगुल दोरला। नांगुल दोरला कोई विद्रोह के नेतृत्व करता है 1859 नांगुल दोरला। ध्यान दीजिएगा, मारिंगा में हुआ है दोस्तों 1876 मुड़िया विद्रोह या मुड़िया विद्रोह। मुड़िया विद्रोह या मुड़िया विद्रोह, इसके नेतृत्व करता है झाड़ा सिरहा। इसके नेतृत्व करता है दोस्तों झाड़ा सिरहा। इसके नेतृत्व करता है झाड़ा सिरहा, झाड़ा सिरहा। ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है पूसपाल। पूसपाल में 1910 में हुआ है भूमकाल विद्रोह। इसके नेतृत्व करता है वीर गुंडाधुर। वीर गुंडाधुर, इसके नेतृत्व करता है दोस्तों वीर गुंडाधुर। वीर गुंडाधुर, ध्यान दीजिएगा। 1842 तारापुर विद्रोह। तारापुर विद्रोह के नेतृत्व करता है दोस्तों दल गंजन सिंह। दल गंजन सिंह, इसके नेतृत्व करता है दोस्तों दल गंजन सिंह। दल गंजन सिंह, इसके बाद पकड़ना है दंतेवाड़ा। 1842 मेरिया विद्रोह या माड़िया विद्रोह, इसके नेतृत्व करता है दोस्तों हिड़मा मांझी। हिड़मा मांझी, इसके नेतृत्व करता है हिड़मा मांझी। ध्यान से बैठाइएगा दोस्तों दिमाग में, देखिएगा। जनजातीय विद्रोह, सबसे पहले पकड़ते हैं गोपाल ग्राम 1918 उराव विद्रोह, भाकुरमा ग्राम 1932 गोड़ विद्रोह। अब हम देखते हैं नेतृत्व करता, यह पकड़ना है परलकोट। परलकोट में 1824 में हुआ परलकोट विद्रोह, जिसके नेतृत्व करता थे गेंद सिंह। यह पकड़ना है लिंगागिरी। लिंगागिरी 1856 लिंगागिरी विद्रोह के नेतृत्व करता है धुरुआ राम माड़िया। यह आपका पकड़ना है भेजी में 1859 को हुआ है कोई विद्रोह, इसके नेतृत्व करता है नांगुल दोरला। मारिंगा में पकड़ना है 1876 मुड़िया विद्रोह या मेरिया विद्रोह, इसके नेतृत्व करता है झाड़ा सिरहा। पूसपाल 1910 भूमकाल विद्रोह, इसके नेतृत्व करता है वीर गुंडाधुर। तारापुर 1842 तारापुर विद्रोह दल गंजन सिंह। यह है दोस्तों दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में हुआ है 1842 में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दंतेवाड़ा में 1842 में हुआ है दोस्तों मेरिया विद्रोह या माड़िया विद्रोह। हिड़मा मांझी, हिड़मा मांझी, यह पकड़ना है डोंगर। डोंगर में 1774 में हुआ है हलवा विद्रोह अजमेर सिंह, इसके नेतृत्व करता थे अजमेर सिंह। डोंगर में हुआ है दोस्तों डोंगर विद्रोह अजमेर सिंह। अब हम देखते हैं दोस्तों कि जनजातीय विद्रोह के समय शासक कौन थे, किनका शासन काल इस समय चल रहा था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शासक देखिएगा, उराव विद्रोह तथा गोड़ विद्रोह के समय कोरिया रियासत के शासक थे रामानुज प्रताप सिंह देव। रामानुज प्रताप सिंह देव, रामानुज प्रताप सिंहदेव यहां के शासक थे दोस्तों रामानुज प्रताप सिंहदेव। ध्यान दीजिएगा, परलकोट विद्रोह के समय यहां के शासक थे दोस्तों महिपाल देव। यहां के शासक थे महिपाल देव, शासक थे दोस्तों महिपाल देव। ध्यान दीजिएगा, भोपाल पट्टनम विद्रोह के समय शासक थे दरिया देव। शासक थे दोस्तों दरिया देव, शासक थे दरिया देव। लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह और मुड़िया विद्रोह, दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों। लिंगागिरी विद्रोह 1856, कोई विद्रोह 1859 और मुड़िया या मुड़िया विद्रोह 1876, इन तीनों के समय शासक थे दोस्तों भैरम देव। इन तीनों के समय शासक थे भैरम देव, इन तीनों के समय शासक थे दोस्तों भैरम देव। ध्यान दीजिएगा, लिंगागिरी विद्रोह 1856, कोई विद्रोह 1859 और मुड़िया या मुड़िया विद्रोह 1876 के समय काकतीय वंश के शासक थे भैरम देव। भैरम देव, भैरम देव, इसके बाद पकड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है भूमकाल विद्रोह 1910, इस समय शासक थे
रुद्र प्रताप देव, रुद्र प्रताप देव शासक थे दोस्तों, रुद्र प्रताप देव। 1842 मेरिया विद्रोह या माड़िया विद्रोह, 1842 तारापुर विद्रोह, इस समय शासक थे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस समय शासक थे भूपाल देव, भूपाल देव ये थे शासक दोस्तों, भूपाल देव, ध्यान दीजिएगा। हलवा विद्रोह जिसके नेतृत्व करता थे अजमेर सिंह, और शासक भी थे दोस्तों अजमेर सिंह, शासक भी इसमें थे दोस्तों, इस समय हलवा विद्रोह के समय काकती वंश के शासक थे दोस्तों अजमेर सिंह, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जनजातीय विद्रोह के नेतृत्व करता कौन थे और उस समय शासक कौन थे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। गोपाल ग्राम में हुआ है 1918 में उराव विद्रोह, जबकि भाकुरमा ग्राम 1932 में हुआ गोड़ विद्रोह। इस समय कोरिया रियासत के शासक थे रामानुज प्रताप सिंहदेव। परलकोट विद्रोह 1824, इसके नेतृत्व करता है गेंद सिंह, जबकि शासक थे इस समय महिपाल देव। भोपालपट्टनम में 1795 को हुआ है भोपालपट्टनम विद्रोह, और इस समय क्या यहां के शासक थे दरिया देव, काकती वंश के शासक दरिया देव। लिंगागिरी में 1856 लिंगागिरी विद्रोह, नेतृत्व करता धुरुआ राम माड़िया। भेजी में 1859 कोई विद्रोह, नांगुल दोरला, और यह दोस्तों 1876 मुड़िया विद्रोह या मुड़िया विद्रोह झाड़ा सिरा, इस समय शासक थे दोस्तों भैरम देव। आगे पकड़ते हैं पूसपाल, पूसपाल 1910 भूमकाल विद्रोह, वीर गुंडाधुर, और शासक थे इसके इस समय रुद्र प्रताप देव। तारापुर में तारापुर विद्रोह, नेतृत्व करता दलगंजन सिंह 1842। दंतेवाड़ा में 1842 मेरिया विद्रोह या माड़िया विद्रोह, नेतृत्व करता थे हिड़मा मांझी, और इस समय शासक थे भोपाल देव। 1774 में हुआ हलवा विद्रोह, इसके नेतृत्व करता थे अजमेर सिंह, और इस समय शासक थे तो दोस्तों खुद अजमेर सिंह। अब हम देखने जा रहे हैं कि किस विद्रोह को किस ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा दमन किया गया, अर्थात विद्रोह के दमन करता, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विद्रोह के दमन करता, ध्यान दीजिएगा, विद्रोह के दमन करता में सबसे पहले देखते हैं परलकोट विद्रोह। परलकोट विद्रोह के दमन करता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कैप्टन पेबे, कैप्टन पेबे इसके दमन करता है दोस्तों, कैप्टन पेबे, कैप्टन पेबे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैप्टन पेबे परलकोट विद्रोह के दमन करता है दोस्तों, कैप्टन पेबे परलकोट विद्रोह के दमन करता है दोस्तों, कैप्टन पेबे, कैप्टन पेबे। इसके बाद देखते हैं हलवा विद्रोह, हलवा विद्रोह के दमन करता है ब्रिटिश अधिकारी जॉनसन, इसके दमन करता है दोस्तों जॉनसन, जॉनसन, ध्यान दीजिएगा। भूमकाल विद्रोह के दमन करता है कैप्टन गियर या कैप्टन गियर, कैप्टन गियर या कैप्टन गियर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैप्टन गियर या कैप्टन गियर, कैप्टन गियर या कैप्टन गियर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। भूमकाल विद्रोह के दमन करता है कैप्टन गियर या कैप्टन गियर, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद पकड़ते हैं, ये आपका है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका पकड़ना है दोस्तों मुड़िया विद्रोह या मुड़िया विद्रोह, इसके दमन करता है मैक जॉर्ज, इसके दमन करता है मैक जॉर्ज, इसके दमन करता है दोस्तों मैक जॉर्ज, मैक जॉर्ज इसके दमन करता है मैक जॉर्ज, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा दमनकर्ता में हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों परलकोट विद्रोह 1824, इसके दमनकर्ता थे कैप्टन पेबे, कैप्टन पेबे, जबकि भूमकाल विद्रोह 1910 के दमन करता है कैप्टन गेयर, कैप्टन गेयर, ध्यान दीजिएगा। हलवा विद्रोह 1774, इसके दमन करता है जॉनसन, और आपके ये पकड़ना है मुड़िया विद्रोह, मुड़िया विद्रोह या मुड़िया विद्रोह, मुड़िया विद्रोह या मुड़िया विद्रोह, इसके दमन करता है मैक जॉर्ज। आपका है मेरिया विद्रोह या माड़िया विद्रोह, मेरिया या माड़िया विद्रोह के दमन करता है दोस्तों कैंप बेल, कैंप बेल, कैंप बेल, मेरिया या माड़िया विद्रोह के दमन करता है कैंप बेल, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। परलकोट विद्रोह के दमन करता है कैप्टन पेबे, कैप्टन पेबे।
मुरिया विद्रोह या मुरिया विद्रोह के दमन करता है मैक जॉर्ज। भूमकाल विद्रोह के दमन करता है कैप्टन गेयर। मेरिया विद्रोह या माड़िया विद्रोह के दमन करता है कैंप बेल, जबकि हलवा विद्रोह के दमन करता है जॉनसन। अब हम देखने जा रहे हैं जनजाति विद्रोह से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह संज्ञा तथा नारा। प्रतीक चिन्ह संज्ञा तथा नारा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये आपका है परलकोट विद्रोह। परलकोट विद्रोह का प्रतीक चिन्ह, परलकोट विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था दोस्तों धावड़ा या धौरा वृक्ष की टहनी। इसका प्रतीक चिन्ह था, परलकोट विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था दोस्तों धावड़ा वृक्ष की टहनी। धावड़ा वृक्ष की टहनी, धावड़ा वृक्ष की टहनी या धौरा वृक्ष की टहनी। यहां पकड़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है लिंगागिरी विद्रोह। लिंगागिरी विद्रोह को संज्ञा दिया जाता है बस्तर का महान मुक्ति संग्राम। लिंगागिरी विद्रोह को संज्ञा दी जाती है दोस्तों, लिंगागिरी विद्रोह को संज्ञा दी जाती है बस्तर का महान मुक्ति संग्राम। बस्तर का महान मुक्ति संग्राम, इसे संज्ञा दी जाती है दोस्तों बस्तर का महान मुक्ति संग्राम। लिंगागिरी विद्रोह 1856, इसके नेतृत्व करता थे धुरवारा माड़िया और इस समय शासक थे काकतीवंश के शासक भैरम देव। लिंगागिरी विद्रोह को संज्ञा दी जाती है दोस्तों बस्तर का महान मुक्ति संग्राम, इसे कहा जाता है बस्तर का महान मुक्ति संग्राम। ध्यान दीजिए भूमकाल विद्रोह। भूमकाल विद्रोह का प्रतीक चिन्ह, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भूमकाल विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था डारा मीरी। इसका प्रतीक चिन्ह था दोस्तों डारा मीरी। डारा मीरी का अर्थ है धनुष, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धनुष भाला आम की टहनी। इसका डारा मीरी का अर्थ है दोस्तों धनुष भाला आम की टहनी, आम की टहनी। मिट्टी का ढेला, मिट्टी का ढेला। धनुष भाला आम, धनुष भाला आम की टहनी, मिट्टी का ढेला और मिर्च, इन्हीं सबको मिलाकर बनाया गया है दोस्तों डारा मिरी। प्रतीक चिन्ह भूमकाल विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था डारा मिरी, जिसका अर्थ है धनुष भाला आम की टहनी, मिट्टी का ढेला और मिर्च। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि भूमकाल विद्रोह का में नारा दिया गया था बस्तर बस्तर वासियों का है। इसमें प्रसिद्ध नारा दिया गया था बस्तर बस्तर वासियों का है, बस्तर बस्तर वासियों का है, बस्तर वासियों का है। इसमें नारा दिया गया था दोस्तों बस्तर बस्तर वासियों का है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भूमकाल विद्रोह जिसका प्रतीक चिन्ह है डारा मिरी, इसमें डारा मिरी का अर्थ होता है धनुष भाला आम की टहनी, मिट्टी का ढेला और मिर्च। इसमें प्रसिद्ध नारा दिया गया था बस्तर बस्तर वासियों का है। ध्यान दीजिएगा, कहानी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, देखिएगा, यह आपका पकड़ना है मुरिया विद्रोह या मुरिया विद्रोह। मुरिया विद्रोह या मुरिया विद्रोह, इसका प्रतीक चिन्ह है आम की टहनी। इसका प्रतीक चिन्ह है, इसका प्रतीक चिन्ह है दोस्तों आम की टहनी। इसका प्रतीक चिन्ह है आम की टहनी, इसका प्रतीक चिन्ह है आम की टहनी। और इसे संज्ञा दिया गया है दोस्तों बस्तर का महान स्वाधीनता संग्राम। बस्तर का महान स्वाधीनता संग्राम, बस्तर का महान स्वाधीनता संग्राम, इसे कहा गया है बस्तर का महान स्वाधीनता संग्राम। जबकि लिंगागिरी विद्रोह कहा जाता है बस्तर का महान मुक्ति संग्राम, जबकि मुरिया विद्रोह को कहा जाता है बस्तर का महान स्वाधीनता संग्राम। इसके बाद पकड़ते हैं दोस्तों कोई विद्रोह, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोई विद्रोह का प्रसिद्ध नारा है। इसका प्रसिद्ध नारा है दोस्तों एक वृक्ष एक साल वृक्ष, एक साल वृक्ष एक सर सिर के बराबर, एक साल वृक्ष एक सिर के बराबर।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक साल वृक्ष एक सिर के बराबर। यह विद्रोह इसलिए किया गया था क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा रेल की पटरी बनाने के लिए, रेल की पटरी का स्लीपर बनाने के लिए दोस्तों काटा जा रहा था साल वृक्ष। और जबकि साल वृक्ष कोई जनजाति का देवता माना जाता है, इसलिए ये लोग जाकर साल वृक्ष से जाकर चिपक जाते थे और कहते थे आप पहले हमारे सर को काटिए फिर ये वृक्ष कटेगा। तो इसीलिए यहां पर नारा दिया गया था दोस्तों, एक साल वृक्ष एक सिर के बराबर। कोई विद्रोह का प्रसिद्ध नारा था एक साल वृक्ष एक सिर के बराबर। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों जनजातीय विद्रोह, जिसमें 1918 में हुआ है उराव विद्रोह, 1932 में हुआ है गोड़ विद्रोह, इस समय शासक थे रामानुज प्रताप सिंहदेव। परलकोट में हुआ है 1824 में परलकोट विद्रोह, नेतृत्व करता गेन सिंह, यहां के शासक थे महिपाल देव और दमन करता थे कैप्टन पेवे। प्रतीक चिन्ह था धावड़ा ब्रिज की टहनी। भोपाल पटनम में हुआ है 1795 को भोपाल पटनम विद्रोह, शासक थे दरिया देव। लिंगागिरी में हुआ है 1856 में लिंगागिरी विद्रोह, नेतृत्व करता थे धुरुआराम माड़िया और यहां संज्ञा गया, इसको संज्ञा दिया गया है दोस्तों बस्तर का महान मुक्ति संग्राम। भेजी में हुआ है 1859 में कोई विद्रोह, इसके नेतृत्व करता थे नांगुल दोरला और नारा दिया गया था एक साल वृक्ष एक सिर के बराबर। यह है दोस्तों 1876 मुड़िया विद्रोह या मुरिया विद्रोह, इसके नेतृत्व करता थे झाड़ा सिरहा, दमन करता मैक जॉर्ज, प्रतीक चिन्ह था आम की टहनी, संज्ञा दिया गया था बस्तर का महान स्वाधीनता संग्राम। और इस समय मुड़िया विद्रोह कोई विद्रोह और लिंगागिरी विद्रोह इस समय तीनों के समय शासक थे दोस्तों भैरम देव। मारिंगा इसके बाद एक पकड़ते हैं दोस्तों पूसपाल, पूसपाल में 1910 में हुआ है भूमकाल विद्रोह, इसके नेतृत्व करता थे वीर गुंडाधुर, इस समय यहां के शासक थे रुद्र प्रताप देव, इसके दमन करता है कैप्टन गेयर। प्रत्येक चिंता डारा मिरी, धनुष जिसका अर्थ है धनुष भाला, आम की टहनी, मिट्टी का ढेला और मिर्च। प्रसिद्ध नारा दिया गया था बस्तर बस्तरवासियों का है, ये पकड़ना है दंतेवाड़ा में 1842 मेरिया विद्रोह या माड़िया विद्रोह, इसके नेतृत्व करता थे हिड़मा माझी। 1842 तारापुर विद्रोह, नेतृत्व करता थे दलगंजन सिंह और शासक थे दोनों में दोस्तों भोपाल देव। मेरिया विद्रोह के दमन करता है कैंप वेल। ऊपर पकड़ते 1774 डोंगर में हुआ है हलवा विद्रोह, इसके नेतृत्व करता अजमेर सिंह, जबकि शासक भी थे अजमेर सिंह और इसके दमन करता है दोस्तों जॉन सन। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया दोस्तों जनजातीय विद्रोह। अब हम जनजातीय विद्रोह को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं।